हाय नमस्कार, व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू पीपल आर सेफ। तो मैक ने अभी अपना एक नया काजल लॉन्च किया है एंड इट वाज सीकिंग अ लॉट ऑफ हाइप, यू नो, फ्रॉम ऑल द इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर। ओके, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस इज द काजल, दिस इज द, एंड टू मेनी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली मैक ने उनको ये फ्री भेजा था। तो मुझे नहीं पता कि वो अच्छा है कि नहीं, बिकॉज एवरीबडी वॉज सेइंग इट वॉज गुड, इट वॉज गुड, इट वॉज गुड। तो मुझे तो कभी कभी वो जेन्युइन चीजें समझ में नहीं आती है कि यार आप प्रमोशन के लिए अच्छा बोल रहे हो कि आप सच में वो अच्छा है तो ही बोल रहे हो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि कोई हाई एंड प्रोडक्ट है तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे हाई एंड प्रोडक्ट ले चुकी हूँ और रिग्रेट कर चुकी हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा है भी कि नहीं, तो सोचो आप लोगों को क्या हो रहा होगा। तो दैट इज व्हाई आई थॉट टू बाय दिस प्रोडक्ट। और सबसे पहली बात, ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद से ये प्रोडक्ट नायका से खरीदा है व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, उसके ही दो तीन दिन बाद मैंने खरीदा था। मैंने कुछ दिन इसको ट्राई किया, उसके बाद आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग द रिव्यू ऑफ दिस, क्योंकि आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनी फॉल्स रेटिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। So without wasting any time, let's talk. So I am talking about this product. First of all, this is beautiful color. But I know color matter nahi karta, but still I love, love, love this color. It is the MAC in Extreme Dimension 24-Hour Kajal Eyeliner. तो सबसे पहले बात कर लूँ, ये दैट वॉज द पैकेजिंग एंड दैट इज वेरी बेसिक, सब में ऐसी पैकेजिंग होती है एंड अच्छी बात है, इन्होंने फालतू में बहुत बड़ा कार्टन यूज करके उसको मतलब वेस्ट नहीं करा, दे मेक इट वेरी यू नो स्लीक, थिन एंड सिंपल, दैट इज गुड। और इसके अलावा इसका क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट का, दैट इज 0.8 grams, दैट इज ओके। I cannot say like okay it's too good, it's too bad, it's okay, because मैंने K Beauty का भी काजल use करा है and it was around 400 rupees and उसका quantity was just 0.3 grams। I'm not saying कि काजल बुरा है, but quantity was very less, उस हिसाब से सोचू तो that is okay। हाँ, इसका price जो है I think it's 675 rupees if I'm not wrong। या इट्स 675 rupees और मुझे आई थिंक कोई ऑफ में नहीं मिला है ये प्रोडक्ट, मैंने उतने ही प्राइस में खरीदा है क्योंकि दैट वाज अ लॉन्च प्राइस। और ये इसका इंटीरियर पैकेजिंग है, सबसे पहली बात इट्स वेरी ट्रेवल फ्रेंडली, बहुत स्लीक सा पैकेजिंग है, क्यूट है। और क्या कहते हैं, इसका जो कैप है, नॉर्मली काजल का कैप जो होता है थोड़ा लूज होता है, बट इट हैज अ गुड फिटिंग, मतलब अच्छी क्वालिटी का है, फिटिंग अच्छा है कैप का। अब मैं बात कर लेती हूँ फटाफट से कि इसका स्वैच देख लेते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्वैच। स्वैच के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अब यहाँ पे प्रॉपरली जस्ट दिस इज, मैंने इसको एक यू नो एंगल दिया है, उसके बाद आई एम यू नो स्लाइडिंग दिस। और एक तो मैं एकदम सीधे करती हूँ, दोनों ही केसेस में मैंने बहुत ही गंदी लाइन लगाई है, दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही स्मूथली ग्लाइड करता है सबसे पहली चीज तो। और इंटेंस भी काफी है, करेक्ट, मतलब हाँ एक कोटिंग में तो नहीं आएगी उतनी इंटेंसिटी, बट दो कोट आप करोगे प्रॉपरली तो काफी इंटेंस आता है। और सबसे जो जरूरी चीज जो मैंने देखी थी कि वो ऐसा था कि जब इनिशियली आप लगाने के बाद इसको मूव करते हो ना, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कमिंग ऑन माय हैंड, बट इसका भी एक सोल्यूशन था, आपको ना लगाने के थोड़ी देर इसको छोड़ना होगा, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक 30-40 सेकेंड। तो मैंने जो ये यहां लगाया था ना, ये थोड़ा टाइम पहले हो गया है, तो आप अगर देखो तो काफी स्मज प्रूफ है, देख रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे हाथों में, बहुत ही ज्यादा स्मज प्रूफ है। और इसको मैंने जो अभी यहाँ पे अप्लाई किया है इन बिलो माय वाटर लाइन और ऊपर जो अप्लाई किया है, दिस इज द सेम काजल दैट आई हैव अप्लाइड, इतना स्मूथली देखो, इतना प्यारा लाइन आया है। हाँ दैट इज ओके, मैंने थोड़ा सा एंड में इसको अपने यू नो लैक्मे वाले लाइनर से टच दिया है विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रश लाइनर, बट स्टिल इतना अच्छा फिनिश आया था। और ये देखो आप लोअर लाइन में कितना डार्क, कितना स्मूथ है बिल्कुल, मतलब इसका कुछ ना, देखो मैंने अभी लगा लिया है और अब मैं इसको ऐसे मूव करती हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है, देख रहे हो कितना सही है, टोटल स्मज प्रूफ। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स बात करते हैं ओके अवर काजल इज स्मज प्रूफ, पर वो नहीं होता है, सीरियसली नहीं होता है।
मुझे आज तक जो दो काजल सबसे ज्यादा पसंद आए थे अभी तक, वो था एक तो प्लम का काजल इज बेस्ट, दी बेस्ट काजल, मतलब इतना बढ़िया है, इतना इंटेंस और काफी ज्यादा स्मच प्रूफ काजल है। अब ये दूसरा मुझे बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार यूज किया है, इवन मेरे बहुत सारे लुक्स अभी जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किए हैं उसमें मैंने इसको यूज किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। तो इन टोटल मैं ये बोलने वाली हूँ कि इट इज वर्थ द हाइप। तो जो लोग वहां पे बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये काजल अच्छा है, इवन दे आर टॉकिंग, उन्होंने यू नो टेस्ट भी नहीं किया एंड दे आर स्टिल सेइंग बिकॉज दे आर कोलैबोरेटिंग, आई एम नॉट यू नो बिचिंग अबाउट एनी ऑफ द इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट सेइंग दैट, देखो उनको कोलैबोरेशन में मिला है, दैट इज देयर हार्ड वर्क, ठीक है, तो अच्छी बात है, बट मैंने तो अपनी हार्ड एंड मनी से खरीदा है एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज वर्थ द प्राइस। यहाँ मेरा एक रिव्यू वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर से प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देना। एंड दिस इज माई इंस्टा हैंडल, अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करो तो प्लीज मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो करो। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।